हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी आजियो का हॉल। ये सारी चीज़ें मैंने तब खरीदी थी जब आजियो पे होली की सेल चल रही थी। तो जब तक ये वीडियो लाइव जाएगी मे बी जो प्राइसेस हैं वो बढ़ चुके होंगे, तो इसलिए आप लोग कॉमेंट बॉक्स में मुझे गालियाँ मत देना क्योंकि प्राइसेस फ्लक्चुएट होते रहते हैं। आपको जो भी चीज़ पसंद हो आप उसको अपने विश लिस्ट में सेव कर सकते हैं और जब नेक्स्ट अभी कोई सेल चलेगी तो आप इन चीज़ों को खरीद सकते हैं। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मेरा बिजनेस पेज और मेरा जो अपना खुद का पर्सनल पेज है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। उनके लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो के साथ। जो सबसे पहली चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो है ये पेपलम टॉप। ये है पेपलम टॉप, बिल्कुल एकदम पीकॉक ब्लू कलर का है। इसका जो ब्रांड है वो है आरा और मैंने लिया है साइज़ मीडियम में। जो बहुत ही सोफेस्टिकेटेड एकदम टॉप है वाइट कलर की जीन्स के साथ, बहुत ज़्यादा प्रिटी लगता है। आप इसको जो है इस साइड भी देख सकते हैं, मैंने इसको पहन के रखा हुआ है। जस्ट दैट इसका जो मटेरियल है वो भी बहुत अच्छा है, शाइनी है। थोड़ा सा जो मतलब टॉप का एक फैब्रिक होता है ना वो थोड़ा सा थिक है, बट इट्स ओके। बट जो प्रॉब्लम मुझे इस टॉप में नज़र आई है वो है इसके आर्म होल्स। ये आर्म होल्स जो है वो बहुत ज़्यादा डीप हैं, तो अगर आपने अंदर कुछ भी पहना हुआ है तो वो डेफिनेटली दिखेगा। सो इसको पहनने से पहले यू हैव टू डिसाइड कि आपने अंदर क्या इसके पहनना है। बाकी बिल्कुल प्लेन है, कहीं से कुछ भी इसमें ना कढ़ाई है ना बुनाई है ना कोई मतलब चांद सितारे लगे हुए हैं, बिल्कुल सिंपल बिल्कुल कैजुअल टॉप है ये। आप इसको पार्टी वेयर भी पहन सकते हो अगर आप इसको बहुत अच्छे से किसी ज्वेलरी के साथ पेयर अप करके और वाइट जीन्स या ब्लैक जीन्स के साथ विथ हील्स पेयर करोगे तो ये पार्टी वेयर टॉप भी बन सकता है। इस टॉप का प्राइस है 300 रुपीज़ और बिल्कुल वर्थ है क्योंकि जो क्वालिटी है जो फैब्रिक है वो एकदम एब्सोल्युटली फैंटास्टिक है और आप इसको कई तरीके से स्टाइल कर सकते हैं। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट टॉप मैंने लिया है वो है ये वाइट कलर का टॉप। इसको जो है आपने मेरी कई सारी इंस्टाग्राम वीडियोस पे भी देखा होगा कि मैंने इसको पहना हुआ है। इसका जो ब्रांड है वो है फिग और जो मैंने साइज़ लिया है वो लिया है मीडियम में। और जो इसकी स्टाइलिंग है कि यहाँ पर देखिए आप इलास्टिक सा लगा हुआ है इसके में और मतलब जो ये मटेरियल है ना वो थोड़ा सा स्वेटर टाइप का मटेरियल है, बट गर्मियों में इसको डेफिनेटली पहना जा सकता है। थोड़ा सा निटेड फैब्रिक है, इसको निटेड फैब्रिक कहते हैं। ये जो यहाँ पर इसके स्लीव्स हैं यहाँ पर थोड़ा सा इलास्टिकेटेड टाइप का बैंड सा दिया हुआ है, तो ये आपके बाजुओं पर बिल्कुल ऐसे सिंच कर जाएगा, बिल्कुल ऐसे पकड़ लेगा, तो काफ़ी अच्छा ये लुक दे रहा था। और जो इसकी बाजुएं हैं यहाँ नीचे भी इलास्टिक लगा हुआ है, ये सारी जो है गोल्डन गोल्डन कलर में है और सामने भी आपको फैब्रिक के जो है देखो डिटेल्स दिखेंगी, बहुत माइन्यूट सी डिटेल्स हैं ये, बट पहनने पे बहुत ही सोवर और बहुत ही ज़्यादा क्लासिक एकदम लगता है। ये जो टॉप है ये मैंने 200 रुपीज़ का लिया था। ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप किसी लोकल मार्केट में भी जाओगे ना आपको इतने सस्ते टॉप कहीं भी नहीं मिलेंगे। तो ये जो है मुझे 200 रुपीज़ का मिला था और जितनी बार भी मैं पहनती हूँ ना सबको ये पूछता है कि इसको मैंने कहाँ से लिया था। सो यस, इट्स फ्रॉम आजियो एंड ये बहुत ही प्रिटी बहुत ही सुंदर टॉप है, हर किसी के साथ चला जाता है। इट्स वेरी वर्सेटाइल, आप इसको एज अ पार्टी वेयर भी स्टाइल कर सकते हो, एज अ कैजुअल भी स्टाइल कर सकते हो और आप मुझे यहाँ पर भी देख सकते हो मैंने पहनकर आपको दिखाया हुआ है। उसके बाद मैं आती हूँ सस्ती टी शर्ट्स पे। तो मैंने ये बेबी पिंक कलर में टी शर्ट ले रखी है जिस पे लिखा हुआ है नो थैंक यू। ये जो ब्रांड है वो है DNMX और मैंने साइज़ लिया है मीडियम। मुझे स्मॉल भी आ जाता है बट मैं मीडियम इसलिए लेती हूँ क्योंकि थोड़े से ढीली ढीली सी टी शर्ट्स अच्छी लगती हैं, प्लस आजकल का जो ट्रेंड है उस पर बैगी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, बहुत चिपकी चीज़ों का कोई ऐसा ट्रेंड नहीं है, तो इसलिए थोड़ी ढीली टी शर्ट्स कंफर्टेबल भी होती हैं प्लस ट्रेंडिंग भी होती हैं। बेबी पिंक कलर का है, राउंड नेक है, कुछ भी इतना खास नहीं है। मैंने इसको पहन भी लिया है, दो चार बार इसको धो भी लिया है, बट जो इसकी क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है एंड
द शो स्टॉपर इज कि ये मुझे 130 रुपीस की मिली थी. यस, ये मुझे 130 रुपीस की टी शर्ट मिली थी एंड द क्वालिटी इज़ अमेजिंग अमेजिंग. तो मैं इन सारे चीज़ों का जो लिंक है ना वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप चेकआउट कर सकते हो. बाकी ये पहनने पे कैसा लगता है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा. उसके बाद जो मेरा फोर्थ टी शर्ट है वो है ये ब्रांड है डेलिंगर. इस पे लिखा हुआ है आई एम एवरीथिंग आई नीड और बहुत ही सिंपल बहुत ही कैजुअल सा टी शर्ट है. इसका जो कलर है वो रस्ट कलर है. मुझे बहुत ही ज़्यादा यूनिक कलर लगा इसलिए मैंने इसको परचेज़ किया है. मेरा जो साइज़ है वो मीडियम है. राउंड नेक टी शर्ट है, कुछ भी इतना एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है. हाफ स्लीव्स टी शर्ट है, थोड़ी सी ढीली ढीली सी मुझे इसकी फिटिंग है. प्लस ये जो है मुझे मिला था 180 या 190 रुपीज़ का. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर आपको पसंद आए तो आप इसको सेव कर सकते हो. जो क्वालिटी है फैब्रिक की वो बहुत ज़्यादा अच्छी है. मैं इसको पहन चुकी हूँ, मैंने इसको वॉश कर लिया है. स्टिल जो टी शर्ट्स होते हैं वो कई बार बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं धुलने के बाद, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ इसके अंदर. इट्स लाइक जैसा मैंने ख़रीदा था वैसा ही बिल्कुल ये दिख रहा है अभी भी. तो इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है और अगर आप प्राइस के साथ करो तो क्वालिटी और प्राइस बिल्कुल मैच ही नहीं करते हैं. लाइक इतने कम प्राइस में इतनी अच्छी क्वालिटी इज़ लाइक ड्रीम हो जाता है बिल्कुल एकदम. सो दिस इज़ दी माई फोर्थ टी शर्ट दैट आई परचेज फ्रॉम आजियो. उसके बाद मैंने ख़रीदे हैं 3 सैंडल्स जो मैं आपको दिखाती हूँ. ये सैंडल्स भी बहुत ज़्यादा सुंदर है और मैंने इनको सेल पे ख़रीदा है. सबसे पहले सैंडल है वो है ये न्यूड कलर की पॉइंटेड टोज सैंडल. ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. मेरे पास न्यूड कलर की ना कोई भी सैंडल नहीं थी, तो आई थॉट कि मैं आजियो पे सेल चल रही है तो लगे हाथ ये भी ख़रीद लेते हैं. इसके ना किटन हील्स हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर किटन हील्स है. मैं बहुत ज़्यादा हाई हील्स नहीं पहनती हूँ. इनफैक्ट शादी वादी में जाओ तो हाई हील्स पहन लो, अदरवाइज़ नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हील्स नहीं पहनी जाती हैं और मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाती है. तो इसलिए मैं किटन हील्स प्रिफर करती हूँ क्योंकि ये बहुत छोटी सी होती हैं तो एक आपको थोड़ा सा हाइट का इल्यूजन भी देती हैं और आपके पैर को भी दर्द नहीं होता है. प्लस मैंने पॉइंटेड टोज इसलिए लिया क्योंकि जो है पॉइंटेड टोज वंस अगेन एक हाइट का इल्यूजन देते हैं और न्यूड हील्स अगर पॉइंटेड हों तो और भी ज़्यादा सुंदर लगती हैं. इस पे जो है यहाँ पर साइड में जो है जैसे स्नेक का पैटर्न सा होता है वो दिया हुआ है और ये मुझे मिला था 650 रुपीज़ का. मेरा जो साइज़ है वो है 36. तो ये मुझे काफ़ी, मैंने कई बार इसको पहन लिया है अभी तक. मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ जब भी मैं कोई सामान खरीदती हूँ, बट ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है. इनका जो ये चीज़ जो है जहाँ पर हम अपना पैर रखते हैं ये भी काफ़ी कुशनी है, तो आपका जो है पैर दुखेगा नहीं अगर आप इसे काफ़ी ज़्यादा देर तक भी पहनते हो. तो ये बहुत ही प्यारी सैंडल्स हैं और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई. जो नेक्स्ट मैंने हील ली है वो है, आई होप कि आपको मेरा ये जो हॉल है ये पसंद आया होगा. आपकी फेवरेट चीज़ कौन सी है ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा. आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा. मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.